साथियों बचपन में हमारा जो घर कच्चा हुआ करता था आंगन भी कच्चा होता था और आंगन में एक जामुन का वृक्ष भी था वृक्ष नहीं एक पेड़ था क्योंकि वृक्ष तो बड़ा होता है छप्पर था जब बारिश होती थी तो उस छप्पर पे पानी की बूंदें गिरती थीं और फिर किनारे आकर नीचे आंगन में वो बूंदें लाइन से एक गिरती थीं बुलबुले उठते थे और छोटे छोटे जमीन में छिद्र हो जाया करते थे गलियां भी कच्ची हुआ करती थी और बहुत सारा पानी आंगन में ही समा जाया करता कुछ पानी मिट्टी को साथ लेकर नाली में भर जाता था उसको बारिश के बाद साफ करना पड़ता था गलियां भी कच्ची हुआ करती थी बहुत सारा पानी उन गलियों में ही उस मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता था तेज बारिश होती थी तो घर के पास ही एक छोटा सा एक तालाब था और बारिश का पानी जाकर उसमें भर जाता था सावन के दिनों में वो तालाब छोटा सा तालाब पूरी तरह लवालब लव भर जाता था कभी कभी वो पानी गली में हमारे घर तक आ जाया करता था इसी तरह घर के पास खेतों में पानी भर जाया करता था खेतों के पास जो बड़े बड़े तालाब थे उनमें भी पानी भर जाया करता था देखता था कि सावन के दिनों में आसपास सारी ज़मीन जलमग्न हो जाया करती थी और उसका नतीजा उसका असर ये होता था कि वर्ष भर हमको हमारे हैंड पंप से पानी मिलता था वो भी सिर्फ चालीस से पचास फिट तक गहराई तक हमारी पानी की बोरिंग हुआ करती थी आज कितना समय बदल गया आज हमारे घर पक्के हैं हमारी छतें पक्की हैं हमारे आंगन पक्के हैं हमारी सड़कें पक्की हैं यानी कि हमने आसपास कंक्रीट का एक चादर सी बिछा दी है अब पानी को अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिलती ये पानी नालियों से बहता हुआ चला जाता है और ये बारिश का जल हम सहेज नहीं पाते हैं। नतीजा ये है कि आज हमारी जो बोरिंग होती थी बोरिंग होती है पानी को निकालने के लिए एक 170 साठ एक सत्तर और अब दो फीट फिट तक होने लगी इतना बड़ा फर्क आ चुका है इन बीस से पच्चीस वर्षों में बारिश तो सिर्फ चार माह होती है लेकिन हमें पूरे वर्ष भर जल की ज़रूरत पड़ती है जल की आवश्यकता होती है जीव जंतुओं पशु पक्षियों को पीने के लिए हमें अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने पीने के लिए इस जल की ज़रूरत होती है लेकिन हम जल को सहेजने के बारे में सोचते भी नहीं हैं दिनों दिन जल का स्तर गिरता जा रहा है हम बहुत सारे उपाय हैं तालाब को खोद कर वाटर हार्वेस्टिंग जल का संचय कर कई तरह से पानी को बचा सकते हैं पानी बचाना चाहिए अपने लिए अपने बच्चों के लिए अपने भविष्य के लिए जल बचाओ जीवन बचाओ जल संरक्षण है एक संकल्प नहीं है इसका कोई विकल्प नहीं है इसका कोई विकल्प आप इस वीडियो को अपने साथियों के बीच शेयर जरूर करें